जय श्री कृष्णा राधे राधे जय महादेव वेलकम बैक टू माय चैनल आई होप आप अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे तंदुरुस्त होंगे मैं भी अच्छी हूँ स्वस्थ हूँ तंदुरुस्त हूँ तो बस सुबह का टाइम है और मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जो वेफर से जो मैंने घर पर बनाई थी तो बस इसी तरीके से सीजन पर हम पूरे साल की बना लेते फिर पूरे साल चलती है तो बस इसी तरीके से स्टोर कर, कर मैं रख देती हूँ तो ये बकेट है जो हम घर में पेंट करवाते उसी की बकेट है उसमें मैंने अच्छे से धोकर बकेट को वॉश कर, कर उसके अंदर मैंने ये रख दिया है वेफर्स को तो पूरे साल ये चलेगी तो बस तेल गर्म होने के लिए रख दिया है यहाँ पर टिश्यू पेपर वो निकाल रही हूँ वेफर्स तलूँगी तो फिर उसके अंदर ऑयल होता ही है तो बस ऐसे में बिछा देती हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा टिश्यू के अंदर चला जाए तो एक टिश्यू में अलग डिस के अंदर रखूंगी क्योंकि उसके अंदर जो मूंगफली के दाने है वो तल कर रखूंगी तो बस इसी तरीके से दो को मैंने रख दिया है तेल गर्म होने के लिए रख दिया है तो सारी वेफर से उसको मैं ऐसे ही तल देती हूँ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बस ऊपर से थोड़ा सा जो नमक एंड थोड़ा सा मिर्च डालकर उसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगती है और वैसे भी हम अपने हाथों से बनाते हैं तो फिर उसका खाने का मजा ही कुछ और होता है जो हम फूड पैकेट खरीदते हैं वो कब का पैकिंग कर कर रखा हुआ होता है तो इसी तरीके से हम घर पर बनाते हैं जब भी हमें खाना होता है तब हम फ्रेश फ्रेश तल कर खा सकते हैं तो बस इसी तरीके से यहाँ पर मैंने बना कर रखी हुई है तो बस सारी वेफर्स है वो मैंने तल ली है तो मूँगफली के दाने वो भी मैं तल लूँगी तो मेरा हस्बैंड का आज फास्ट है उसी के लिए सारे में तल रही हूँ वो बाहर का बहुत ही कम खाते है कभी कभार चल जाता है वरना बहुत ही कम खाते हैं तो बस ये वेफर्स है उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक एंड थोड़ी सी मिर्च डाल दूँगी और यहाँ पर जो मूँगफली के दाने हैं उसमें भी मैं थोड़ा सा नमक थोड़ी सी हल्दी एंड थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी बस उसको अच्छे से मैं दाने को मिक्स कर दूँगी और वेफर्स को भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं तो नमक और मिर्च डालने के बाद ये मसाला दानी उसको मैं रख देती हूँ ताकि प्लेटफॉर्म पर चीज़ें फैले नहीं तो बस इसी तरीके से जो चीज़ें मुझे नहीं चाहिए होती है वो तुरंत के तुरंत वहाँ से मैं हटा देती हूँ और ये वेफर से उसको भी मैं डब्बे में ट्रांसफ़र कर देती हूँ तो अभी गर्म है तो मैं ढकूँगी नहीं ऐसे ही रख दूँगी तो ये दूसरा डिब्बा इसके अंदर जो मूंगफली के दाने मैंने तले हुए हैं उसको भी मैं ट्रांसफर कर दूंगी तो दोनों डिब्बों को मैं साइड में रख दूंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा जो मसाला गिरा है नमक मिर्च थोड़ा सा गिरा हुआ है तेल के छींटे उड़े तो सबसे पहले किचन है उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ कर दूंगी प्लेटफॉर्म को तो ये डिब्बे अभी गर्म है तो उसको मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी उसके बाद ही ढकूंगी तो पूरा प्लेटफॉर्म मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि डिब्बे से एकदम प्रॉपर मेरा मैच हो रहा है नेल पेंट तो बस प्लेटफॉर्म साफ़ कर लिया है अभी बर्तन करने बाकी है तो जो सूखे हुए बर्तन है वो सब मैं निकाल दूंगी और सबको मैं अरेंज कर दूंगी ड्रॉअर में तो बस इसी तरीके से सुबह का काम चलता रहता है घर का काम चलता रहता है मैनेज कर कर चलते हैं तो फिर अच्छे से जो निपट जाता है वरना बहुत ही देर हो जाती है तो बस इसी तरीके से जो सुबह के टाइम मल्टीटास्किंग कर कर जो घर का काम करते हैं तो फटाफट से हो जाता है तो बस यहाँ पर किचन पूरा मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है सिर्फ़ बर्तन ही है तो बस चाय के बर्तन और एक्स्ट्रा जो डिब्बे है वो मैं साफ़ कर रही हूँ तो बस इसी तरीके से घर का काम चलता ही रहता है तो सारे बर्तन को वॉश कर लिया है वहाँ से जो प्लेटफॉर्म ऊपर से ये सारे बर्तन मैं हटा दूंगी ताकि वहाँ पर मैं अच्छे से क्लीन कर पाऊँ साफ़ कर पाऊँ तो साइड में वहाँ पर मैंने स्टूल रखा है क्योंकि मेरा प्लेटफॉर्म बहुत ही छोटा है तो मैं साइड में वहाँ पर नीचे ही रख देती हूँ तो बस उस साइड तो मैंने पूरा अच्छे से साफ़ कर लिया है यहाँ पर जो बर्तन किए तो थोड़ा सा गंदा हो ही जाता है तो बस यहाँ पर मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर दूंगी साफ कर दूंगी तो किचन मेरा पूरा अच्छे से सेट हो चुका है अब चलते हैं बाहर लिविंग रूम में तो यहाँ पर जो सोफ़ा है उसके ऊपर सारी चीज़ें पड़ी है इस तरीके से तो उसको मैं हटा देती हूँ बोतल है रिमोट है चार्जर है ऐसे ही पड़ा है तो सब हटा दिया और सामने की तरफ जो पर्दे हैं वो भी थोड़े से अच्छे कर देती हूँ ठीक कर देती हूँ तो सोफा को सेट तो मैंने सुबह ही कर ही दिया था लेकिन यहाँ पर मैं बैठी थी तो थोड़ी सी सरवटें आ गई थी उसको भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है तो पूरे घर में मैंने झाड़ू निकाल दिया है झाड़ू निकालने के बारी आती है पोछा लगाने की तो अंदर दोनों रूम में पोछा लगा दिया है बेडरूम में मेरे बेटे के रूम में आ गई हूं, लिविंग रूम में तो यहाँ पर भी मैं इसी तरीके से पोछा लगा दू तो जो बाहर मेरा आंगन है उसको भी मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है धोकर तो बस अब हो गई है दोपहर हम लोगों ने खाना बाना भी खा लिया है तो जब मैं बर्तन कर रही थी उससे पहले ही कपड़े उतार कर मैंने यहाँ पर रख दिए थे क्योंकि बहुत ही तेज़ धूप होती है तो बहुत ही कपड़े गर्म रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख देती हूँ ताकि ठंडे हो जाए तो बस सारे कपड़े उसको मैं फ़ोल्ड कर देती हूँ तो कपड़े भी फोल्ड हो चुके हैं तो सारे कपड़े अपने अपने अलमारी में लगा दूंगी हमारे कपड़े हमारे अलमारी में मेरे बेटे के उसके अलमारी में अभी शाम के बजे है चार आ गई हूँ फिर से किचन में यहाँ पर मैंने मलाई रखी थी छाछ डालकर उसका बनाना है घी तो बस घी बना लेती हूँ यहाँ पर अभी अभी मैंने वीडियो जो वॉइस ओवर किया है तो इसको मैं स्टार्ट कर दूंगी तो काम करते करते मैं इसको सुन लूंगी कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो तो फिर पता चल जाता है ऐसे ही वीडियो अपलोड नहीं करती हूँ कोई भी ऐसा ही नहीं करता है लेकिन फिर भी मैं एक बार सुन लेती हूँ अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर चेंज कर सके तो बस इस वीडियो को मैं चालू कर कर यहाँ पर लगा दूंगी और अपना जो काम है वो भी करूंगी तो दोनों काम साथ साथ हो जाएंगे पर जो मलाई है वो रखी है कंटेनर में ट्रांसफर कर दूंगी ये कंटेनर छोटा है पतेला तो बड़े पतेले में निकाल देती हूँ और चाय के बर्तन भी पड़े हैं अभी अभी मेरे हस्बैंड गए हैं तो वो गए उसके बाद तुरंत के तुरंत मैंने वीडियो वॉइस ओवर कर दिया है क्यूँकी कल जाना है बाहर तो फिर होगा नहीं तो एक बड़ा वाला पतेला ले लिया है मैंने और सारी मलाई उसके अंदर मैं ट्रांसफर कर देती हूँ तो मलाई का जो मक्खन है वो तुरंत के तुरंत ही बन जाता है बिल्कुल भी ज्यादा देर नहीं लगती है बनने में तो बस थोड़ा सा मैं इसके अंदर डाल देती हूँ पानी ताकि जल्दी से जो मक्खन वो निकल आए मैं मक्खन बना लूँ उसके बाद जो बाहर मेरे पेड़ पौधे उसमें मुझे पानी भी डालना है अभी बाहर बहुत ही धूप है सोचा पहले मैं मक्खन बना लेती हूँ तो आजकल बहुत ही गर्मी पड़ रही है यहाँ पर कच्छ गुजरात में तो कल फोर्टी सिक्स डिग्री यहाँ पर गर्मी थी बहुत ही धूप है तेज तो सारे पौधों में पानी तुरंत के तुरंत ही सूख जाता है तो बस यहाँ पर जो मेरा मक्खन है वो भी रेडी हो चुका है तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं डाल दूँगी आइस के टुकड़े तो मैं जब भी मक्खन बनाती हूँ इसी तरीके से एक प्लेट डाल ही देती हूँ आइस के टुकड़े की तो इससे जो मक्खन निकालना बहुत ही आसान हो जाता है सारा मक्खन जो आपस में चिपक जाता है तो तुरंत के तुरंत हम निकाल सकते हैं मक्खन तो मक्खन निकाल कर ये मलाई वाली पतीली है उसके अंदर ही मैं इसी तरीके से सारा मक्खन डाल दूंगी तो इसको मैं पाँच या छः बार पानी से अच्छे से वॉश करूंगी इसके बाद ही मैं घी बनाऊंगी अगर ऐसे ही अगर हम घी बनाते हैं तो उसके अंदर से बेड स्मेल आती है पाँच या छः बार मक्खन को धो देते हैं पानी से तो बिल्कुल भी, भी उसके अंदर से बेड स्मेल नहीं आती है तो तो इसी तरीके से पाँच या छः बार मैं मक्खन को वॉश कर दूंगी उसके बाद बनने रख दूंगी घी घी को मैंने बनने के लिए रख दिया है और यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म देख सकते हैं जब भी मैं मक्खन बनाती हूँ तो प्लेटफॉर्म बहुत ही मेसी हो जाता है क्योंकि मक्खन भी चिकना होता है तो थोड़ा थोड़ा तो गिर ही जाता है कितना भी हम ध्यान रखते हैं लेकिन गिर ही जाता है तो बस यहाँ पर जो सारे बर्तन है चाय के और यहाँ पर मक्खन बनाए उसके तो वो सारे मैं कर दूँगी अभी तो बहुत ही गर्मी चल रही है इसलिए कोई ज़रूरत नहीं होती वरना जो सर्दियों में हम जो मक्खन बनाते हैं तो फिर बिल्कुल भी जल्दी से निकलता नहीं है तो तो मैं गर्म पानी कर कर ही साफ़ करती हूँ तो तुरंत के तुरंत निकल जाता है तो बस यहाँ पर प्लेटफॉर्म है वो भी मैंने थोड़ा सा लिक्विड डिश वॉशर से साफ़ कर लिया है और अच्छे से मैं यहाँ पर कर दूँगी क्लीन तो जो बर्तन मैं धोऊंगी मैं वहीं पर रख दूंगी प्लेटफॉर्म के ऊपर क्योंकि नीचे वाले बर्तन सूखे हुए हैं तो उसके अंदर रखूंगी तो सारे बर्तन फिर से गीले हो जाएंगे तो बस थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रख देती हूँ एक्स्ट्रा पानी जब निकल जाएगा तो सारे बर्तन फिर से वहाँ पर लगा दूंगी तो बस यहाँ पर सिंक है इसको भी मैं धो दूंगी क्योंकि बहुत ही बर्तन भी चिकने थे और मक्खन मक्खन वाला हो गई थी तो सिंक को भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है तो बस पानी गिरा था तो प्लेटफॉर्म के ऊपर से वो भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी साफ़ कर दूंगी और साथ साथ घी पर भी मैं नज़र रख रही हूँ क्योंकि उबल कर कहीं बाहर ना आ जाए तो बस बीच बीच में उसको हिला रही हूँ और गैस की आँच मैंने धीमी कर दी है तो इसी तरीके से साइड में घी भी हो रहा है और मेरा दूसरा काम है वो भी निपट जाता है तो बस इसको भी मैंने धीमी आँच कर कर रख दिया है तब तक यहाँ पर मैंने पूरा जो किचन है अच्छे से साफ कर दिया है क्लीन कर दिया है तो बस यहाँ पर जो घी है वो भी मेरा रेडी हो चुका है गैस मैंने बंद कर दिया है तो एक कंटेनर ले लिया इसके अंदर मैं छान कर रख दूंगी तो यह है हमारा घर का शुद्ध देसी गाय का घी तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है गाय का शुद्ध घी तो घर पर बना हुआ है तो एकदम शुद्ध घी है सब्जी भी लेकर आई पास में से कपड़े भी चेंज नहीं किए ऐसे ही चली गई क्योंकि टमाटर बिल्कुल भी खत्म हो गए थे मम्मी के घर से आई फिर मैं जा ही नहीं पाई हूँ और आज मेरे का फास्ट है तो उसे खाना है टमाटर की सब्जी रोटी एंड चावल तो टमाटर थे नहीं तो इन्हीं कपड़ों में चली गई पास में ही यहाँ पर मिलता है तो पौधों में पानी डालू उससे पहले मैं पास से ही सब्जी खरीद कर आ गई तो इन्हीं कपड़ों में चली गई थी वो तो मैं दोबारा बोल रही हूँ तो आप देख सकते किस तरीके से सारे पौधे हो चुके क्योंकि बहुत बहुत यहाँ पर धूप बढ़ गई है वैसे तो सब जगह वही हाल है तो पौधों में पानी डाल रही उस दिन यहाँ पर फोर्टी डिग्री तापमान था इतनी धूप थी यहाँ पर इतनी गर्मी थी तो सारे पौधे के ऊपर इसी तरीके से पानी का मैं छटका कर कर उसको अच्छे से पत्तों को नहला देती हूँ अच्छे से फ्रेश हो जाती इस तरीके से पानी ऊपर से डालते हैं तो तो सारे गमले के अंदर जो रेती है जो बहुत ही सूख गई है बिल्कुल भी नहीं पता चल रहा है कि ये गीली गीली है क्योंकि इतनी तेज धूप है तो ऊपर की तरफ जो सारे गमले है वहाँ पर भी मैं पानी डाल देती हूँ और थोड़े गमले मैंने उस साइड भी रखे तो वहाँ पर भी डाल देती हूँ थोड़ा बचा था पानी तो यहाँ पर सीढ़ियों पर गिरा दिया ताकि जो भी मिट्टी है वो निकल जाए तो ये शाम के सात बजे हुए हैं यहाँ पर मैंने टमाटर काट कर रख दिए हैं यहाँ पर चावल है वो भी भिगो कर रख दिया है ताकि मुझे खाना बनाना आसान हो जाए तो यहाँ पर जो आटा है वो भी लगा कर रख दिया है और ये घी गर्म था तो खुला छोड़ा था तो अब ठंडा हो गया तो इसको भी बंद कर देते हैं तो बस चावल भी चढ़ा दिया है तो यहाँ पर सब्जी है उसको मैं तड़का दे देती हूँ तो आज मैंने आप लोगों के साथ पूरे दिन का जो रूटीन शेयर किया है मॉर्निंग टू नाइट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर किया है तो तेल गरम होने के लिए रख दिया है तो बस अब दे देते हैं सब्जी का तड़का तो बस डाल दूंगी राई वही बेसिक मसाले डाले हैं जीरा हल्दी का पाउडर हींग तो बस वो सब डालकर तड़का दे दिया है यहाँ पर मैं भूल गई थी तो फटाफट से जाकर कड़ी लीव्स लेकर आई फ्रिज में तो टमाटर डालकर फटाफट से यहाँ पर मैं ढक दूंगी ऐसा करने से सामने की तरफ जो टाइल्स है वो बिल्कुल भी गंदी नहीं होती अगर नहीं ढकते तो पूरे जो छीटे उठते वो टाइल्स पर लगते हैं तो फिर हल्दी वाले बहुत ही गंदे दिखते हैं धब्बे निशान पड़ जाते तो इसी तरीके से ढक देते हैं तो बिल्कुल भी गंदे निशान नहीं पड़ते तो बस यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर धनिया का पाउडर नमक वो सब डाल दिया है थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर भी डाल दिया है तो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो तुरंत के तुरंत मैं वहाँ से हटा देती हूँ ताकि प्लेटफॉर्म पर जगह बन जाए सब्जी और चावल चढ़ रहे हैं अभी मेरे हसम का फ़ोन आया जो हमने फ्रिज बुक किया वो अभी आ रहे हैं तो फटाफट से जो छाछ वो सब चीजें रखिए दूध वो मैं निकाल लेती हूँ तो जो इस तरीके से चीजें है अनार दूध छाछ वो निकाल लेती हूँ बाकी तो ऐसे ही खिसका देंगे तो मेरे हस्बैंड का फोन आया है कि हम लोग निकल चुके है फ्रीज लेकर तो बस वो रास्ता दिखा रहे है क्यूँकी दुकान वाले भैया ने रास्ता देखा नहीं है तो बस वो आ रहे तो उसका फोन आया था कि फ्रिज खाली कर लेना तो बस ये वाला फ्रिज तो पूरा तो मुझे खाली नहीं करना है अभी कल करूंगी आराम से यहाँ पर सारी चीजें ऊपर की तरफ पड़ी है वो भी मैं हटा दूंगी ताकि यहाँ पर फ्रिज रखना है तो स्पेस हो जाए तो एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी है वो मैं सब हटा रही हूँ वहाँ से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं गमले वगैरह सब पड़े हैं पता नहीं उसका भी कब मुहूर्त आता है लगाने का तो फ्रिज है वो आ गया है बाहर की तरफ सब लोग उतार रहे हैं फ्रिज को और यहाँ पर जो मेरे हस्बैंड है वो फ्रिज को हटा रहे हैं और नीचे की तरफ वहाँ जो फ्रिज था तो वहाँ पर मैं अच्छे से पोछा लगा रही हूँ क्लीन कर रही हूँ तो फ्रिज का पूरा बॉक्स है जो अंदर की तरफ नहीं आ रहा था तो आंगन में ही जो बॉक्स में से निकाल दिया फ्रिज को तो आप देख सकते हैं कि पूरा एक्जेट मैप की तरफ से ही जो अंदर आया है तो पूरा बॉक्स नहीं आ रहा था तो आंगन में ही पूरा बॉक्स है उसके अंदर से जो फ्रिज निकाल दिया है तो ये है फ्रिज मेरा सैमसंग का तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैंने खरीदा है तो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना मुझे तो मुझे तो डबल डोर का जो है वो ही खरीदना था लेकिन स्पेस की वजह से मैंने नहीं खरीदा है तो यहाँ पर भैया मुझे समझा रहे थे किस तरीके से और ये फ्रिज मेरे हस्बैंड उनको दिखा रहे थे क्योंकि अभी दो दो फ्रिज का क्या करेंगे एक बेच देंगे तो बस वही देख रहे थे और फोटो खींच रहे थे भैया तो वो लोग बोल रहे हैं कि डेमो देने के लिए कल लाएंगे मैंने कहा ठीक है तो बस यहाँ पर चावल भी हो चुके हैं सब्जी भी हो गई है सिर्फ रोटी बनाना ही बाकी है तो आज का वीडियो इतना ही अगर आप लोगों को कुछ भी पसंद आया हो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें